नमस्कार, मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी का विंध्य क्षेत्र की खबरों पर आधारित खास कार्यक्रम रिवांचल एक्सप्रेस यानी रीवा और शहडोल संभाग की खबरें एक खास अंदाज में। मध्य प्रदेश सरकार में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल का मंत्री बनना तय, सूत्रों के हवाले से आई खबर। मंत्री बनने से चूक जाएंगे देवतालाब विधायक गिरीश गौतम। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में सीधी को प्रतिनिधित्व दिए जाने पर संशय। विंध्य में शहडोल संभाग से मीना सिंह बनाई जा चुकी हैं मंत्री, रीवा संभाग से राजेंद्र शुक्ल का नाम लगभग तय। रीवा के अंबेडकर बाजार की छत से होर्डिंग स्ट्रक्चर गिरने के बाद नगर निगम ने शुरू किया होर्डिंग स्ट्रक्चर और होर्डिंग हटाने का अभियान। संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव के निर्देश के बाद एक्शन में आया नगर निगम, होर्डिंग मुक्त बनेगा रीवा संभाग। शाम को भयंकर आंधी और तूफान चला और शहर के अधिकांश हिस्सों में बिजली के तार और जो पेड़ वगैरह हैं वो टूटे और कुछ बड़ी बड़ी जो होर्डिंग्स थे वो भी टूटे और शिल्पी प्लाजा के क्षेत्र में एक होर्डिंग गिरने से एक पैक्स बैंक के जो कर्मचारी थे उनकी ऊपर वो होर्डिंग गिरा और अस्पताल जाते वक्त उनका असामयिक निधन हुआ। ये निश्चित रूप से अत्यंत ही हृदय विदारक घटना है। मैंने नगर निगम के सभी कमिश्नर नगर निगम और उनके साथी जो अमले हैं उन सबको निर्देशित किया है कि वे शहर में भ्रमण करें और इस तरह के जहां भी अवैध रूप से होर्डिंग्स लगे हैं, टूटे फूटे या लटके हुए होर्डिंग्स हैं, वे सब तत्काल दुरुस्त किए जाएं, उनको हटाया जाए और उनके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाए। भविष्य में इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो कि किसी प्रकार की जनहानि हो या धन की हानि हो और सतर्कता रखी जाए। सर, कुछ विरोध भी उठे थे, उस पर भी कार्रवाई हुई है? वो मैंने नगर निगम कमिश्नर को बोला है कि जो भी विधिवत कार्रवाई है वो तत्परता से की जाए। रीवा में होर्डिंग स्ट्रक्चर गिरने के बाद सतना सीधी सिंगरौली जिले में भी हटाए जाएंगे होर्डिंग स्ट्रक्चर गेंट्री गेट। सोमवार से सभी जिलों में होर्डिंग हटाओ अभियान हो सकता है शुरू। विंध्य क्षेत्र में कोरोना से बचाव के बेहतर प्रयास की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की सराहना। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की रीवा और सतना जिले की समीक्षा। भारत का उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट अब रीवा में भी। मेडिकल इंजीनियरिंग फाउंडेशन 9th और 10th और नीट 2020 क्रैश कोर्स के नए बैच हेतु प्रवेश प्रारंभ। लॉकडाउन में लाइव क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, लाइव डाउट सॉल्विंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, रिपोर्ट कार्ड और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की नियमित मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं एडमिशन हेतु संपर्क करें आकाश इंस्टीट्यूट मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, इलाहाबाद रोड, बड़ा रीवा। कॉन्टैक्ट नंबर 8112801234, 8112821234। रीवा कलेक्टर बसंत कोरे ने शहर के आनंद नगर और ग्राम खजवा को घोषित किया कंटेनमेंट क्षेत्र। दोनों क्षेत्रों से मिले हैं कोरोना संक्रमित मरीज। बीते दिन आए तेज आंधी तूफान का केंद्रीय जेल रीवा में दिखा व्यापक असर। जेल परिसर में 17 पेड़ टूटकर गिरे, दो दिनों से बंद है बिजली की आपूर्ति, कैदियों को पानी की हो रही दिक्कत। रीवा में बीते दिन आई तेज आंधी तूफान ने वेटरनरी महाविद्यालय में मचाई तबाही। महाविद्यालय के सभा कक्ष की शेड उड़ी, सामान अस्त व्यस्त। शहडोल जिले में व्यापारी की आत्महत्या के मामले में भिजूरी थाना प्रभारी संजय पाठक हुए लाइन अटैच। मृतक व्यापारी रामचंद्र अग्रवाल ने टीआई की प्रताड़ना से आकर कर ली थी आत्महत्या। लॉकडाउन के दौरान वृद्ध पिता की दवा लेने निकले थे मृतक रामचंद्र। सतना जिले के नगौद में नवनिर्मित सिविल कोर्ट का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। इस अवसर पर जिला जज ने न्यायालय परिसर में रोपा पौधा। सतना जिले के चित्रकूट में नवनिर्मित व्यवहार न्यायालय का विशेष न्यायाधीश अजीत सिंह ने फीता काट कर किया लोकार्पण। इस दौरान मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह, जिलाधिवक्ता संघ अध्यक्ष राज बहादुर सिंह बैस सहित न्यायिक कर्मचारी रहे मौजूद। होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर 2000 और बिना मास्क फेस कवर के घर के बाहर निकलने पर 100 रुपये लगाया जाएगा जुर्माना। सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जारी किया आदेश। शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र में SICL फोरमैन ने जबरदस्ती काम कराने को लेकर मजदूर के साथ की मारपीट। न्याय की गुहार लगाने थाने पहुंचा पीड़ित मजदूर। तरवाल लेके चढ़ा, फिर गाली गलौज करने लग गया। माँ बेटी का गाली दे रहा था और जो काम हमको आदेश नहीं है वो काम करने के लिए जबरदस्त हमसे करवा रहा था।
जिसके आपने अपने ठेकेदार को बताया कि क्या बोल रहा था? जी, हमने बताया कि ठेकेदार साहब ऐसे ऐसे हमको बोल रहे हैं, फिर भी मैं वो नहीं बात मान रहा है। शहडोल जिले में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिले के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 9। जिले के सुहागपुर तहसील अंतर्गत ग्राम ककराही के रहने वाले 3 संक्रमित। रीवा में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का आंकड़ा। रीवा कलेक्टर के अनुसार जिले के कुल 35 संक्रमितों में से 11 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ, 13 संक्रमितों को जल्द किया जाएगा डिस्चार्ज। गुड मॉर्निंग टीवी के विंध्य क्षेत्र पर आधारित न्यूज प्रोग्राम रिवांचल एक्सप्रेस में आज इतना ही, लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद की, अपने परिवार की और पूरे समाज की रक्षा करने में अपना योगदान दें। घर पर ही रहें और शासन के निर्देशों का पालन करें। नमस्कार।